मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओला पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री ने किसानों का ऋण स्थगित करने और 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े रहने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं ओला पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, हमने पहले ही फसलों के नुकसान के सर्वे का आदेश दे दिया है। मैं हर खेत में नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन सर्वे के दौरान अधिकारीगण सभी जगह पहुंचेंगे और सभी जगह का सर्वे करेंगे और ईमानदारी से सभी जगह का सर्वे होगा। जितना नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई की जाएगी, कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैंने किसानों से बातचीत की है, उनके ऋण वसूली को स्थगित कर दिया है। जहां पर 50% से ज्यादा नुकसान किसान का हुआ है, उन्हें 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। संकट की इस घड़ी में भाजपा किसानों के साथ है, हम नुकसान की भरपाई हर कीमत पर करेंगे, राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर। मेरी बात आप तक और मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंच जाए जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहां विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहां फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूं कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है, और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।